international beauty pageants to modeling for the biggest brands, sizzling in item numbers on big screen and seducing viewers on the small screen with her big boss appearance, Payal Rohatgi has done it all. Hello and welcome to the show. It's an honor to have you on the show. Thank you. Fantastic. Okay, so are you ready for the roller coaster ride? I think so. है ना? हाँ. मतलब डरने की कोई बात नहीं है. हम वहाँ यहाँ पर सारे शरीफ बच्चे हैं. हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे. हम सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. ओके, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? अच्छा पहले ये वाकई में बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ. मतलब उपेन पटेल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ. कैसा एक्टर है उपेन पटेल? अच्छा एक्टर है. नहीं, मैं वाकई में अच्छा अच्छा एक्टर है वो. I've just done one film with him. Okay, and which was that? 36 Chinatown. Right. क्योंकि ऐसा सुना गया है कि उसके पास मतलब बीच में जब वो इंडिया आया था उपेन, तब एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया कस्टम्स वालों ने. या उसके पास कुछ 4-5 एक्सप्रेशंस मिले. हाँ तो आई कांट स्टॉप बट आस्क यू अबाउट राहुल महाजन. आई लाइक दिस गर्ल. ये मतलब अच्छा तो ये मतलब बिग बॉस, हाउ डिड बिग बॉस हैपन? वो कास्टिंग कर रहे थे, उनके पास मेरा फोन नंबर था, फोन किया, बजट मैच हो गया एंड आई वेंट ऑन द शो. सो हाउ इज इट लिविंग ओवर देयर? I think my first reality show, so very, very difficult. I kind of held back a lot of my emotions because मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी वो शो पे. I used to be always conscious कि 24 घंटे कैमराज हैं, ये है. But after a point when 2 months went by and I was still in the house, then you get frustrated. Really, for 2 months? Yeah, 2 months. And it was the first time, 24 hours, the camera, the mic is on you and the cameras are there. And just one place and you want to hit somebody, you want to throw somebody out, you just can't do because you feel that camera hai, koi dekh raha hai. नहीं, और secondly ऐसा होता है ना कि आप तैयारी बहुत करके जाते हो कि मैं ऐसे बिहेव करूंगी, मैं तो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसूंगी नहीं, मैं तो सबसे अच्छा बिहेव करूंगी, आदर्श भारतीय नारी बनूंगी. और वहां पर जाकर आदर्श भारतीय नारी, तेरी जात का बैदा मारू, ऐसा हो जाता. नहीं, मैं वो लिमिट तक नहीं पहुंची. तो मतलब किसी का ऐसा थप्पड़ मारने का मन किया? तभी इश्यूज होते हैं. कौन 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 थे आपके साथ वहां पर? आई थिंक 14, बाकी 13 कंटेस्टेंट्स थे. राजा चौधरी, संभावना, मोनिका. ओहो, एक एक दिग्गज लोग आपके साथ थे. वाह वाह वाह. कुरेशी, देवोजीत साहा. देवोजीत वो सिंगर? हाँ. केक दैट थिएटर एक्ट्रेस केतकी दवे. नहीं, केतकी दवे. हाँ हाँ हाँ. शी वाज देयर. ओके ओके. सम गाय कॉल. तो राजा चौधरी, जुल्फी सैयद जो अंडरवेयर वाली ऐड करता है. देन द विनर वाज आशुतोष कौशिक. ही हैड वन एमटीवी रोडी. आशुतोष कौशिक. हाँ हाँ हाँ. आप सोच रहे क्या टिप्पणी दे? नहीं नहीं, मैं तो सोच, मैं बौखला गया हूँ. मैं ये स्टार कास्ट सोच कर ही बोलता हूँ. अच्छा, सो हैव यू बीन फॉलोइंग बिग बॉस? उसके बाद कभी देखा? उसके बाद एक शो देखा था जिसमें आई थिंक विंदु विनर था. विंदु. बट उसके बाद देन आई कुड नॉट बिकॉज़. हां, विंदु वो जो बर्तनों पर नाम लिखता दांत से. आई थिंक मुझे आपके सारे शोज देखने पड़ेंगे. आप जो हर एक नाम के साथ जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं वो कैरेक्टर की, दैट इज जस्ट सो एंटरटेनिंग. ओके ओके, सो हाउ वाज इट? आई मीन, यू आर साइक्ड आउट? आई वाज वेरी साइक्ड आउट. आई वाज क्राइंग अ लॉट. पीपल यूज्ड टू थिंक कि ये फेक है, बहुत रोती है. Because I was so frustrated कि मैं, how do I voice myself? Because I don't know what is going to be edited and क्या दिखाने जाने वाला है. It's a 24-hour show, but only 1 hour is going to be shown. So that was my first show, so it was very difficult. और scandals कुछ बताइए. Scandals मुझे नहीं, आप Google पे चले जाइए. नहीं, हमारे पास जीता जागता Google बैठा है यहाँ पर. नहीं, I have blocked. मुझे याददाश्त की प्रॉब्लम है. ओके ओके, तो चलो हम इसके आपके एक दूसरे रियलिटी शो की तरफ मुड़ते हैं जो है सर्वाइवर्स. है ना? ये मतलब एक जगह आप एक घर में कैद थी,
सेकंड जो किया आप खुले आसमान के नीचे समुंदर किनारे जंगलों में और कुछ बहुत ही बोलने वाले एक्टर्स और इन लोगों के साथ भी थी आप, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आल्सो एंड एज यूजुअल. ओके, आई डोंट वांट एनी डिप्लोमेटिक आंसर. नो, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. इट वाज सच में सुमित, इट वाज लाइक आप सुबह उठ रहे हो, यू गेटिंग अप सीइंग द सनराइज, ब्यूटीफुल, या यू नो, एंड यू आर स्लीपिंग ऑब्वियसली विद द सनसेट. देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, पहली बार 7 बजे के बाद तो देयर इज सनसेट, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. पिच डार्क जो आग की वो जो लाइट में रात को जुगनू होते हैं ना, राइट, वो आप देख देख के मतलब डंडे के साथ टॉयलेट करने जा रहे हैं बुशेस के पीछे, यू आर शिटिंग इन बिहाइंड द बुशेस. हम लोगों ने डिजाइन किया था कि ये लड़कियों का एरिया है, लड़कों का एरिया है. क्या अलग होता था लड़कों के एरिया में और लड़कियों के एरिया में? एटलीस्ट अगर आप पकड़े जाओ किसी के साथ बम्प करते, तो यू आर जस्ट सीइंग अनदर गर्ल डूइंग द सेम थिंग, यू आर नॉट बम्पिंग इनटू अनदर गाय. देयर इज सम यू नो नॉर्म्स, प्राइवेसी नॉर्म्स मेंटेन्ड. Are you kidding me? Privacy norms on that island? Yes, they were. We at least tried because we were followed 24 hours by the crew people. But there was no शैम्पू, सोप नहीं, दातुन नहीं, कुछ नहीं. हम लोग वो जो दातुन मिलता है, right, वो टहनी तोड़ के साफ करते थे, फट्टे पे सोते थे, जमीन पे सोते थे, कभी कुछ कीड़े घुस रहे, कभी कुछ घुस रहे, एंड जस्ट दो पेयर ऑफ क्लोथ्स, उसमें से एक पैर मेरा समुंदर में बह गया. हाउ हाउ डिड यू मैनेज? ओके, वी वांट टू लिसन टू दिस. ओह, आई जस्ट थॉट मे बी आई विल गेट अनदर सेट ऑफ बैकअप क्लोथ्स, मगर कुछ ऐसा नहीं हुआ. आई वाज लेफ्ट विद ओनली वन पेयर ऑफ क्लोथ्स, एंड हाउ मच हैव आई क्रिप्ड ट्राइड टू थ्रो टैंट्रम. मुझे प्रोडक्शन ने अपने बैकअप क्लोथ्स नहीं दिए बिकॉज मैं बहुत बोर हो गई थी. मैं सोच रही थी कि वहां पर कितने दिन थी आप? आई वाज अगेन देयर फॉर 43 डेज. द शो इज फॉर 45 डेज. यू वर देयर फॉर 43 डेज? तो क्या हुआ दो दिन? आप क्यों नहीं, व्हाई डिडंट यू? आई वाज थ्रोन आउट. व्हाई? बिकॉज देयर इज इंटरनल वोटिंग ना. And तब असलियत निकलती है ना. I was supposed to be thrown out in the first episode. The girls hated me and the guys thought I'm useless. I'm just bothered about having a bath and getting ready and I'm of no use to in the physical challenges. Because अगर आपने शो देखा है, मुझे पता नहीं, मैंने मैंने कुछ शो मैंने कुछ एपिसोड देखे क्योंकि जेडी था उसमें. नहीं आई जेडी. And JD and me were very good friends. Are you sure? Yeah. Because JD भी first episode में जाने वाला था, तो JD और मेरी bonding थी. मैं ओसो काउचो पायल just listen to me. I'm like a father figure. Yeah, but we शुरू किया. हाँ, तो वैसे ही था ना. तो he was the first episode eliminator, so was me. तो हम दोनों की एक bonding होगी कि हम end तक जाएंगे. क्या बात है? हम ये लोगों को दिखाएंगे कि we are strong. तो because he was in the elderly bracket and I was considered to be not so elderly bracket. No, not for good for nothing, you know. Kyunki kaam ki nahi raha ye try. Police khatwani types. Maine suna Munisha Khatwani wahan pe patto jhaad ke patte nikal deti thi, wahan pe tire over kar deti thi. Nahi, wo chaddiyan dhoti thi. Chaddiyan dhoti thi. Wow. Ye shayad usne apne patton mein nahi dekha hoga ki mummy I'll be washing chaddis, I'm not going. क्या बोलते हैं उसे, ये उसकी भविष्यवाणी की थी मोनिशा ने कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा? पता नहीं. आई डिडंट गेट अलोंग विद हर. ओह, यू डिडंट गेट अलोंग विद हर? यू देयर सो शिल्पा के साथ? शिल्पा, शी वाज अ वेरी नाइस बैलेंस्ड प्लेयर एंड शी वाज गुड इन अ चैलेंज. स्कीमिंग कौन था? मतलब सारे स्कीमिंग होते ही है, मतलब आप स्कीमिंग थे है ना. तो जो हमसे पहले निकले वो ज्यादा स्कीमिंग नहीं थे, हम ज्यादा स्कीमिंग हो गए जहां एंड तक पहुंच गए. 43 डेज अच्छा, तो वहां पर आप मतलब हाउ डू मतलब खाना मछली पकड़ देती हैं? आई यूजली ईट ओनली एग्स, आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन. ओके, तो मैं हम लोगों को 12 केजी कुछ चावल दिए गए थे 45 डेज के लिए 11 जनों के बीच में. तो हम लोगों के हिस्से में खाली पाव किलो चावल आता था. दैट वाज आवर ब्रेकफास्ट लंच डिनर. तो आई लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट लॉट ऑफ वेट बिकॉज इट वाज लाइक अ क्रैश डाइट, यू नो, जस्ट पाव किलो चावल, ना कोई ऑयल है कुछ नहीं, उसको उबाल के हम खाते थे. कोकोनट खाते थे या स्वीट पोटैटो खोद खोद के मिले तो खाते थे. तो फिशिंग मैंने तो किया नहीं, बट आफ्टर अ पॉइंट व्हेन द बॉयज हैड लॉट ऑफ टाइम, द बॉयज हु यूज्ड टू हैव नॉन वेज फूड, दे यूज्ड टू टेक द बोट एंड गो ट्राइंग टू कैच अ फिश. ओके, did they catch any mermaid? No, they didn't catch. They got snails back and they ate the snails. Oh god. Yeah, it was an experience. Yeah. So you managed to catch something over there? Yeah, I caught a guy. Yes.
हम वहीं पे जा रहे हैं. Why are you excited? I'm very excited. Why? अरे मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई लड़की कहती है, क्योंकि आज के जमाने में कहाँ सुनने को मिलता है पायल. क्या आज के जमाने? हाँ आज के मतलब गनीमत है. कल को मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मैं बोलूंगा बेटा कुछ भी कर लड़की लेकर आ, ये मत बोल कि पिताजी ये आपका बहू है. तो इसीलिए when you say that you've got a guy, I'm really happy for you. Oh, thank you so much. Okay, तो क्या नाम है उनका? आप नाम लेती हैं या मैं करके बुलाती हूँ? अच्छा. Okay, what does he do? He is a wrestler and he has won gold for India in Commonwealth Games and lots of matches. He's one of the world's number one world's professional wrestler, best professional wrestler, recognized by I think this wrestling whatever federation called WWF, WWE or something. Whatever. That you can ask him. Theek hai. All I know, he's a good wrestler and he's a great human being. Fantastic. And he loves me a lot. ये tuning कैसे हुई? ये ट्यूनिंग वहाँ पे जब हमको खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, चावल थे, एक दूसरे का भेजा खाया. हाँ, एक दूसरे का भेजा खाया, एक दूसरे को आई लव यू बोला, पत्ते खाए एकदम. तो मतलब खाली पेट पाव किलो चावल में ये लोग एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे. वाह वाह. वी थॉट कि चलो थोड़ा पहले कुछ ड्रामा वामा कर लेते, टीआरपी बढ़ जाएगी शो की, थोड़ा हम लोग के ऊपर ज़्यादा कैमराज आ जाएंगे, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर वी टुगेदर एंड दिस एंड दैट. बट कब वो यू नो सब कुछ नाटक एकदम प्यार में बदल गया पता नहीं चला. कैसा है मतलब वो दिल से कैसा है? अच्छा है. हाँ हाँ अच्छा है. अच्छा है. हाँ. और सिर्फ रेसलिंग करता है या प्यार भी करता है? नहीं नहीं प्यार भी बहुत करता है. प्यार भी करता है. हाँ. आप दोनों की फिल्म भी आई है. हाँ. वैलेंटाइंस नाइट. हाँ. व्हाई नाइट व्हाई नॉट डे? प्रोड्यूसर को पूछा कि व्हाई नाइट, नाइट नाम से ही थोड़ा वो लगता है, थोड़ा शेडी जैसा लगता है. बट नहीं, सबने डे देखा है, हमको नाइट दिखानी है. तो मैंने बोला संग्राम पैसे लेते हैं चलो. तो मतलब घर पे सब पता है? मम्मी एवरीबॉडी नोज. मम्मी एवरीबॉडी नोज. सो व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड? नॉट नाउ. नॉट नाउ. नो. यू वांट टू गेट मैरिड टू हिम? या एज ऑफ नाउ एवरी रिलेशनशिप यू वांट टू गेट मैरिड ना. या अच्छा तो ये कुछ कह रही है. आइए 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 सर आइए. संग्राम सिंह से बहुत कुछ जानना है, उनके फिटनेस के बारे में, उनके रेसलिंग के बारे में, ओलंपिक के बारे में, कॉमनवेल्थ के बारे में, कलमाड़ी जी के बारे में. लेकिन वो हम करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद. तब तक बजाओ भाई.